अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना एंड पुडिंग ओरियो ट्रिफल। सो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले स्टेप वन में हमने जो है वो मैंने 1 लीटर दूध लिया है और उसको मैंने जो है वो हाई फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स, स्टेप वन में हमने अपना दूध बॉईल करने के लिए रखा हुआ है क्योंकि हमने दूध को जो है वो गाढ़ा करना है। नाउ फ्रेंड्स, अब जो है हमारा सेकंड स्टेप ये है, ओरियो एंड बनाना पुडिंग बनाने के लिए जो है मैंने फ्रेंड्स अहमद कस्टर्ड लिया है वनीला फ्लेवर का। आप कोई भी फ्लेवर या कोई भी ब्रांड जो है वो यूज कर सकते हैं। 4 चम्मच जो है फ्रेंड्स मैंने चीनी ली है और 3 चम्मच जो है फ्रेंड्स मैंने वनीला का जो है वो कस्टर्ड लिया था और इसमें जो है ठंडा दूध डालकर इसको अच्छे से जो है वो फ्रेंड्स मिक्स कर लिया है ताकि इसमें जो है वो लम्स नहीं होने चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास है आप कोई भी जो है ना केक चॉकलेट फ्लेवर या वनीला फ्लेवर का केक यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। और 3 मैंने ओरियो केक्स लिए हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 2 बनानाज लिए हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड स्टेप था। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपना जो है वनीला कस्टर्ड जो है वो ऐड करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने साथ साथ जो है वो इसमें चम्मच हिलाते जाना है ताकि जो है वो इसमें लम्स ना बने। अब हमारा कस्टर्ड जो है वो पककर तैयार हो चुका है तो अब हम जो है वो चूल्हा बंद कर देंगे और लास्ट पर जो है वो हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, हमने अपनी जो है वो टेस्ट मुताबिक चीनी ऐड की है जितना हम मीठा पसंद करते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप चीनी जो है वो ज़्यादा यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से फ्रेंड्स आपने हिलाना है ताकि इसमें चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ओके फ्रेंड्स, फाइनली हमारा कस्टर्ड जो है वो तैयार है और अब हम इसको जो है वो एक बॉल में शिफ्ट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो कस्टर्ड तैयार होने के बाद एक बॉल में निकाल दिया ठंडा होने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप में जो है वो हमारी सारी चीजें जो वो रेडी हो चुकी हैं। 1 घंटे के लिए हमने इसको जो है वो फ्रीजर में रखा था। कस्टर्ड हमारा अच्छे से जो है ठंडा हो चुका है। डेकोरेशन के लिए फ्रेंड्स मैंने लिया है, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स की डिफरेंट कलर्स की। मैंने ओरियो बिस्किट्स आपको दिखाए थे, मैंने उसको जो है वो ग्राइंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया हुआ है और जो है वो फ्रेंड्स को भी सॉफ्ट केक देख सकते हैं आप। मेरे पास चॉकलेट और वनीला का ही फ्लेवर है। यहाँ पर मैंने जो है बनाना को जो है वो कटिंग कर लिया हुआ है स्लाइसेस में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो पुडिंग ट्रिफल को डेकोरेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 1 चम्मच फ्रेंड्स इसकी आपने अच्छे से नीचे लेयर बनानी है। और अब फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे बनानास। इसको अच्छे से साथ साथ प्रेस करना है।
अब हम फ्रेंड्स इसमें कस्टर्ड के लिए ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा कस्टर्ड जो है वो अच्छे से जेली की शेप में जो है वो फ्रीज हो चुका हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसमें जो है वो अपने केक की लेयर बनाएंगे। फ्रेंड्स इसमें जो है वो बनाना ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स ये ओरियो बिस्किट है, मैंने वनीला फ्लेवर का ओरियो बिस्किट लिया था। आप चाहें तो चॉकलेट या कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसमें फिर से जो है वो कस्टर्ड की लेयर बनाएंगे और इसको यूं आपने जो है वो प्रेस करना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप चाहे तो कोई भी जो है वो फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बट ऑलमोस्ट जो है वो बनाना का जो है वो टेस्ट अच्छा लगता है। फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वो मैं अपनी क्रीम ऐड करने जा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, लास्ट पे जो हमारे पास चॉकलेट बची हुई है आप इसको साइड पर स्प्रिंकल्स कर सकते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो है वो ओरियो एंड जो है वो तैयार हो चुका है। ओरियो एंड बनाना पुडिंग ट्रिफल जो है, आई होप कि आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, खाएंगे और कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे। और प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो सब्सक्राइब भी करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।